हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे। तो वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस बार हम लेकर आए हैं BSNL का एक स्पीड टेस्ट। मैं पहले भी ला चुका हूँ, 50 Mbps की स्पीड टेस्ट में ला चुका हूँ। ऊपर आपको आई बटन में उसकी वीडियो मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ जो 100 Mbps वाला प्लान है, 799 वाला जो अनलिमिटेड प्लान है। 100 Mbps की आपको स्पीड मिलती है। अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 15 या मुश्किल से 20 दिन कह सकते हैं लॉन्च हुआ है। उसका मैं स्पीड टेस्ट लाया हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। मैंने पूरा 24 आवर्स कोशिश करी है आपके लिए, मतलब जितना कर सकता हूँ पूरा टेस्ट करा है। और एक और बात, मैं इस पर मल्टीपल डिवाइस वाला टेस्ट भी लाने वाला हूँ, लाइक फ़ोन, लैपटॉप और कह सकते हैं कंप्यूटर और टीवी, सबको एक साथ चलाऊंगा और फिर देखते हैं कि सब एक साथ चलते हैं या 2-3 फ़ोन एक साथ रख के कैसा ये परफॉर्मेंस देता है। राउटर के बारे में बताऊंगा कौन से मेरे पास राउटर है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार चुका है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप में पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 12, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पिंग देख सकते हैं 12 आ रही है, डाउनलोड स्पीड 100 Mbps आ रही है, जितनी स्पीड मतलब दी गई है एग्जैक्ट उतनी है, ना ज़्यादा ना कम, 0.75 ज़्यादा ही है। अपलोड मेरे को कम मिली है, 81 Mbps। मैं स्पीड थोड़ी तेज करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना मिले और आपको एग्जैक्ट डाटा भी मिल जाए। ये बज रहे हैं सुबह के भी कह सकते हैं, रात के भी कह सकते हैं, 102 Mbps मिले, 103 कह सकते हैं, 0.95 का फ़र्क है। और जो अपलोड स्पीड है वो भी 100 स्पीड ही आप मान लीजिए, और पिंग भी 14 की है। यहाँ तक तो सही चलता है। सुबह की बात आई 6:17 AM की, तो ये मैंने करा था दूसरे सॉफ्टवेयर पे, मतलब दूसरी वेबसाइट पे जाके चेक स्पीड टेस्ट। मैंने कहा दूसरी वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं, तो इसमें मेरे को अपलोड तो थोड़ी कम मिली है, डाउनलोड मेरे को सही मिली है। उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद 12 बजे की बात होती है, दोपहर के 12 पिंग 12 मिलती है। पिंग मेरे को हमेशा सही मिल रही थी, लेकिन जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई थी। डाउनलोड स्पीड मेरे को 84 Mbps मिली और अपलोड स्पीड थी वो आप देख ही सकते हैं 60 मान लीजिए, 61 Mbps मेरे को मिली है। पिंग मेरे को हमेशा सही मिलती है, लेकिन डाउनलोड और अपलोड में दिक्कत आती है, इसलिए लोग मुझे पहले भी कह रहे थे कि जियो ले लो। हाँ, मेरे को अब लग रहा है कि 100 Mbps में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, शाम को मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो डाउनलोड और अपलोड स्पीड 100 से तो कम ही रह रही है, क्योंकि 100 Mbps वाला मैंने प्लान ले रखा है। लेकिन अगर बात करूँ मैं 50 Mbps के प्लान की, मैं ऊपर आई बटन में दे दिया है उस वीडियो का लिंक, उसमें आपको 50 से हमेशा ज़्यादा ही मिलती, लेकिन मैं इसमें शौक हूँ कि 100 Mbps के प्लान में मेरे को कम मिल रही है। 100 Mbps के प्लान में भी मेरे को 100 प्लस स्पीड मिलनी चाहिए थी। डाउनलोड और अपलोड दिन में कम ही रहती है, रात को कोई दिक्कत नहीं आती है, रात को तो 100 से 1-2% ऊपर ही रह जाती है, लेकिन दिन में कम रहती है। पिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने सोचा कि दूसरी वेबसाइट पर भी जाके करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से आती है, fast.com। उस पर जाके देखा तो उस पर भी 80-90 के बीच में दिन में स्पीड रहती है, 100 के पार नहीं जाती है। पिंग तो मेरी हमेशा सही रहती है। और मोबाइल में टेस्ट करने की बात आई, या तो मोबाइल में मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, पहले भी दिक्कत आई थी, 50 Mbps के प्लान में भी मेरे को इतनी स्पीड मिल रही थी, और अब मैंने 100 Mbps वाला प्लान लिया, जब भी मेरे को उतनी ही स्पीड मिली है। स्पीड में मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया है मोबाइल पर, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे राउटर में दिक्कत है क्या है। एक बात और, अगर मैं लैन केबल यूज़ करता तो पक्का मेरी स्पीड हर उसमें ज़्यादा आती। राउटर मेरा 2.4 GHz का है। सो गाइस, आपने देख ही लिया होगा कैसा है, परफॉर्म कर रहा है। राउटर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला मेरा राउटर है। मुझे लगता है इस राउटर की वजह से मेरे फ़ोन में कम स्पीड आती है। क्या लगता है आपको? मेरे को तो कुछ आइडिया है नहीं, ना मैंने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्यों फ़ोन में स्पीड कम आ रही है और लैपटॉप में इतनी ज़्यादा आ रही है। और लैन केबल से अगर मैं यूज़ करता तो हाँ, हल स्पीड बिल्कुल ही बढ़ जाती, फिर तो राउटर की कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट लैन केबल वाला भी हम टेस्ट करेंगे, उसकी टेंशन भी मत लेना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। एंड ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ, पहले भी ला चुका हूँ BSNL के ऊपर, BSNL फाइबर के ऊपर, जियो फाइबर की भी लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।